फेस टर्न कर लो। श्वसन तंत्र मतलब तंत्र पढ़ रहे थे, इसमें पहला वाला जो तंत्र था आपका अध्यावरणी तंत्र हम देख चुके हैं, उसके बाद वाला जो तंत्र है आपका श्वसन तंत्र, यही कुछ हम देख रहे थे। इसकी मैकेनिज्म देखनी बाकी है और इसके पार्ट्स पढ़ने बाकी थे कि यह जो श्वसन तंत्र है आपका किसमें कौन कौन से पार्ट से है आपके शरीर के जो भाग लेते हैं, साथ ही उनके कार्य क्या है, ये हमें देखने थे। तो सबसे पहला श्वसन तंत्र पढ़ चुके थे हम, थोड़ा सा देख लेते हैं। श्वसन उन सभी भौतिक और रासायनिक क्रिया, मतलब आपका जो भौतिक और रासायनिक क्रिया दोनों मिलकर ही श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और श्वसन तंत्र है तो दो प्रकार से होता है श्वसन आपका, एक बाह्य श्वसन होता है और एक कौन सा होता है आंतरिक श्वसन होता है। बाह्य श्वसन का अगर हम देखें तो जो बाह्य श्वसन होता है उसमें भी दो क्रियाएं होती है, एक स्वच्छोवास होती है और एक होता है गैसों का परिवहन। स्वच्छोवास का मतलब ब्रीथिंग होता है और ब्रीथिंग में हम दो क्रियाएं करते हैं, एक सांस का लेना मतलब जो ऑक्सीजन युक्त वायु है वो हम इनहेल करते हैं और जो CO2 में अधिक मात्रा में होती है उसे हम क्या करते हैं एक्सहेल करते हैं, यही मैकेनिज्म होती है। उसी के साथ एक और मैकेनिज्म देखते हैं हम, रासायनिक और रासायनिक में ग्लूकोज का टूटना और ग्लूकोज को तोड़कर उससे ऊर्जा निकालने वाली जो मैकेनिज्म होती है वही कौन सी होती है रासायनिक क्रिया। तो यूं कहें कि श्वसन दोनों प्रकार से किया जाता है, भौतिक प्रक्रिया और साथ ही साथ रासायनिक प्रक्रिया भी आपकी होती है। इसी के साथ एक और चीज़ है कि जो श्वसन होता है वह खाने का या भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण का मतलब कि खाने में क्या जोड़ता है, ऑक्सीकरण का जुड़ना ही या किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो खाद्य पदार्थ में या भोजन में क्या करना ऑक्सीकरण करना ही आपका क्या कहलाता है श्वसन कहलाता है। साथ में ऊर्जा की मुक्ति होती है और इस प्रकार बनी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या किया जाता है बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया आपकी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आती है। साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये आपका श्वसन तंत्र है। यहाँ देखिए थोड़ा डायग्राम अगर हम समझें तो यहाँ से आपका तंत्र शुरू होता है जिसे हम नासा गुहा या नेसल कैविटी कहते हैं। उसी के साथ ये मुख गुहा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, पर अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, अभी हमें कौन सा वाला नासा वाला भाग या नासा गुहा वाला भाग पढ़ना है। फिर इसी के साथ जब हम अंदर चलते हैं तो हमारी एयर इसके थ्रू आगे जाती है ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। ये कॉमन भाग है, कॉमन पैसेज के नाम से जाना जाता है, मतलब ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का ही भाग होता है। क्लियर है कि यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग होता है, इसलिए कॉमन पैसेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। थोड़ा और अगर हम नीचे उतरे तो यहाँ पर एक और पाइप या एक और जगह मिलेगी जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स कहेंगे और इसके बाद ग्रसनी के बाद जो आपकी एयर है वो कहाँ जाती है लेरिंग्स में, और लेरिंग्स के बाद जो आपकी एयर है वह है श्वास नली या ट्रेकिया के थ्रू अंदर जाएगी, और अंदर फिर ये जो है आपके ये इन्हें हम लंग्स कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, और फेफड़े का जो कवच है ये रिब्स, ये कल भी बात हुई थी, इन्हें हम रिब्स या पसलिया कहते हैं। और टोटल कितनी पसलियाँ हैं हमारे पास, तो 12 जोड़ी पसलियाँ है, ये तो क्लियर है। और 12 जोड़ी में पेयर में अगर देखें हम तो जो पसलियाँ होती है 7 और 5 ऐसे कुछ होती है। जो 7 पसलियाँ ऊपर वाली होती है वह सीधे आपकी स्टर्नम से जुड़ी होती है। उसके बाद जो 3 पसलियाँ जो होती है वह कुछ ऐसे एक साथ जुड़कर फिर कोम्बो के साथ यहाँ जाके मिलती है, और बाकी जो नीचे की जो 2 पसलियाँ और होती है वो फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानी जाती है। जब हम कंकाल तंत्र पढ़ते हैं तो अच्छे से डिस्कस करते हैं कि जो रिब्स होती है वह टोटल कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, जिसमें 7 तो सीधे आपके स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती है, फिर 3 एक साथ मिलकर यहाँ एक बनकर कनेक्ट होती है, और 2 जो नीचे की रिब्स होती है जो पीछे से आती तो है लेकिन आगे तक इनकम्प्लीट होती है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं। और यही रिब्स हमारे फेफड़ों को क्या करती है कवर करके रखती है, सुरक्षा कवच का काम करती है। अगर इसको हम हटाएं तो हमें कुछ ऐसा भाग देखने को मिलेगा जिसे हम फेफड़ा कहते हैं या लंग्स कह दो, और लंग्स के बाहरी आवरण फुफ्फुसा आवरणी कहलाता है, और इसी आवरणी में द्रव भरा होता है जिसे फुफ्फुस द्रव के नाम से जाना जाता है, जो बाहरी आघातों से इस लंग्स की क्या करता है सुरक्षा या रक्षा
करता है। आगे अगर हम चले तो जो आपका फेफड़ा है या सॉरी जो आपकी श्वास नली है ये आगे दो भागों में विभक्त होता है, यहाँ से दो भागों में, और एयर इसी के थ्रू जाती है, इसे ब्रोंकाई कहते हैं या श्वसनिक। और ये श्वसनिक फिर आगे जाके देखिए छोटे छोटे भाग में फिर से विभाजित हो रही है, दिख रहा है, और इसे ही श्वसनिकाएं के नाम से जानते हैं। फिर आगे अगर थोड़ा और हम अगर जूम करें तो यही वाले जो भाग हैं यह आगे जाके गुब्बारे नुमा संरचना बना रहे, और इन्हीं गुब्बारे नुमा संरचना को, ये जो गुब्बारे नुमा संरचना बनी है इन्हें एल्वोलाई या वायु कुपिका के नाम से जानते। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्वसन तंत्र की सबसे छोटी यूनिट, जैसे किडनी की सबसे छोटी यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है, वैसे ही श्वसन तंत्र की सबसे छोटी यूनिट या संरचनात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो वह क्या है, कुपिका या वायु कुपिका के नाम से, जिसे इंग्लिश में एल्वोलाई भी कहते हैं और हिंदी में भी कह सकते हो आप, एल्वोलाई के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ एक और चीज लगी रहती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम दो कार्य करता है, एक तो शरीर के ऊपर वाले भाग से शरीर के नीचे वाले भाग को दो भागों मतलब पार्टीशन करने का काम, पहला काम डायफ्राम का क्या है, ये ऊपर मतलब फेफड़े, और इसी के जस्ट अगर हम ह्यूमन का और स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर अमाशय होगा, यकृत मिलेगा आपको, छोटी आंत बड़ी आंत सारी चीजें। तो डायफ्राम पहला कार्य तो क्या करता है, ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग से सेपरेट करने का काम करता है। उसी के साथ जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो यही डायफ्राम नीचे खिसक जाता है, मतलब जो फेफड़ों को जगह या यूं कहें कि स्थान प्रोवाइड करवाने का काम या स्पेस प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यही डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है और सांस क्या हो जाती है, श्वास का मतलब कि एयर जो है वो बाहर चली जाती है। ये पूरा डायग्राम क्लियर है आपको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से आपके श्वसन के भाग है, तो मुख्यतः पांच, पहला फेफड़ा, दूसरा नासा मार्ग, फिर ग्रसनी, ये आपका कॉमन सा भाग है जिसमें हम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब भी इसको पढ़ा जाता है, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं तब भी इसे पढ़ा जाता है। उसके बाद लेरिंग्स बताया था, कंठ जहाँ से एयर निकलती है और आवाज आती है, झनकार मारकर जब आवाज आती है वह आवाज कहाँ से निकलती है, आपकी कंठ द्वार से। और लास्ट वाला है श्वसनी, और श्वसनी के आगे वाले ही भाग को हम पहला तो ब्रोंकाई कहते हैं जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं, और साथ में उसी के साथ और भी क्या आएगी, तो जिसे हम कुपिका या एल्वोलाई कहते हैं। यह आगे जाके भागों में विभक्त हो जाती है। अब एक एक करके हम पहले दूसरे तीसरे भाग पढ़ लेते हैं। पहला कि नासा गुहा श्वसन तंत्र का प्रथम भाग है और इसी में दो छिद्र होते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपके काम की यह चीज है कि दो छिद्र होते हैं और नासा गुहा का कंकाल दो चीज से मिलके बना है, अस्थि तथा उपास्थि। और पूछा भी जाता है कि शरीर का कौन सा भाग उपास्थि का मिलकर बना है, तो हमारे जो कान है ये वाला पैसेज है ये किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। अस्थि से उपास्थि थोड़ी कम कठोर होती है और ये आसानी से टूट मतलब यह फ्लेक्सिबल होती है, यूं कहें जैसे कान है मोड़ा और वापस फ्लेक्सिबल हो गया। निर्मित होती है स्वर यंत्र अथवा लेरिंग्स ग्रीवा में, चौथी से लेकर छठी ग्रीवा कशेरुकी तल पट पर होता है। नेक्स्ट, श्वसन के दो प्रकार अवायवी श्वसन और वायवी श्वसन। श्वसन वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है या यूं कहे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है वह श्वसन कौन सा, अवायवी श्वसन। आगे इसकी पूरी मैकेनिज्म आएगी। और वायवी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा निकलती है। हमने थोड़ा ये भी डिस्कस किया था कि जो वायवी श्वसन होता है इसमें जो ऊर्जा होती है कम मात्रा में निकलती है, और कम कितनी, तो 280। इसमें कितनी निकलती है, तो अधिक निकलती है, और एक ग्लूकोज के अणु से कितनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो 38 ATP के रूप में निकलता है। अगर इस तरफ देखें तो इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कि ऑक्सीकरण तो होता है लेकिन अपूर्ण होता है,
और इसमें हम देखें तो भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण, यह जो वायवी प्रक्रिया है या वायवी अवायवी श्वसन है, यह छोटे जीव जंतु में होती, छोटे या यूं कहें कि सिंपल ऑर्गेनिज्म, और जो वायवी श्वसन की क्रिया है यह कॉम्प्लेक्स या जटिल जीवों में होती। और जटिल मतलब हम ह्यूमन का नाम भी लिख सकते हैं कि हम में जो श्वसन होता है वह श्वसन कौन सा होता है, तो हम में होने वाला श्वसन कौन सा होता है, वायवी श्वसन होता है। हमें एक और मतलब श्वसन तो हमें और भी हो सकते हैं, अवायवी भी हो सकता है। खाना खाया और ऐसे करके बैठ गए तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अल्कोहल निर्माण हो गया, और कभी कभी उबासी आने लगती, नींद आने लगती, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर कौन सा श्वसन होने लगता है, अवायु। फिर हम जैसे ही तीखा करके बोलते तो मुंह खोल लेते हैं, मुंह खोलते मतलब एयर फिर अंदर लेते हैं अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक एयर मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाता है, और फिर से वही श्वसन कौन से में बदल जाता है, वायु। यहाँ पर एक और चीज होती है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण। और क्वेश्चन पूछते हैं कि श्वसन में जो कभी कभी हम ज्यादा अधिक दौड़ते हैं या लिखते हैं तो यहाँ पर क्रम्प होने लगता है, दुखने लगता है, फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ठीक हो जाता है, वही। तो श्वसन एक और होता है कि जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की कमी में भी हो सकता है। एक तो ये तो हो गया कि अनुपस्थिति ऑक्सीजन की, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। लेकिन कभी कभी श्वसन किसमें होता है, ऑक्सीजन की कमी में भी होता है। और जब ऑक्सीजन की कमी में होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वह लैक्टिक अम्ल होता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारा जब हम हाथ लिखते हैं और रुक जाता है, कमी हो जाती है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और यह दुखने लगता है। फिर यूं करते हैं, सप्लाई ऑक्सीजन का हो जाता है, लैक्टिक अम्ल वापस टूट जाता है, और टूट कर CO2 H2O और कुछ मात्रा में ऊर्जा सप्लाई कर देता है। तो ये क्वेश्चन, जैसे कभी कभी हम तेज दौड़ने लगते हैं तो हमारे थाई वगैरह भी दुखने लगती है, मतलब फिर वही कि ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाता है, कम। फिर बोलते हैं आपको जो भी एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, जोर जोर से सांस लो, इनहेल करो, अंदर लो बाहर लो, तो फिर वही कि ऑक्सीजन का सप्लाई पूर्ण हो जाता है और फिर से आप व्यवस्थित वाले स्थिति में आ जाते। तो कहीं ना कहीं इसका भी आपके जीवन में बड़ा अच्छा रोल है। फिर चलते हैं वायवी और अवायवी, बता दिया है मैंने, उपस्थिति और एक होती है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में, और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक बार सांस लेने में सामान्य वयस्क कितनी हवा अंदर करता है, 500 मिली हवा अंदर करता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जब हम श्वसन करते हैं या यूं कहें कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार सांस छोड़ते हैं, क्या बता पाओगे? 22, 72। अच्छा, अपना हृदय कितनी बार एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, वो भी बहुत तर बार धड़कता है। और हम एक मिनट में सांस लेते हैं मतलब ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मतलब अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, तो वो भी बहुत तर बार कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करते हो क्या? 180 बार, 12 बोल रहे हैं कोई, 12 से 15 के समय। हाँ, ये भैया आप सही बोले हैं कि जब हम सांस लेते हैं एयर को अंदर और बाहर करते हैं तो एक मिनट में हम इतनी ही बार कर पाते, ठीक है। और जब अधिक दौड़ लेते हैं तो 20 से 25 गुना बढ़ जाता है, कुछ नहीं, यही 20 से 25 गुना बढ़ा दीजिएगा। और ये जो बहुत्तर है, जैसे ही दिमाग में आता है, पूछा जाता है, तो हम धड़कन को ही याद करते हैं, और सीधा फैक्ट है कि बहुत्तर वहाँ ऑप्शन में भी बहुत्तर देते हैं वो लोग। तो सांस लेना देना अलग बात है और हृदय का धड़कना अलग बात है। ये 72 बार एक मिनट में धड़क सकता है, लेकिन आप सांस इतनी बार एक मिनट में कैसे ले सकते हो, आप ही देखो ना, महसूस कर लो। तो हम सामान्य मनुष्य या व्यस्त मनुष्य जो एक मिनट में कितनी बार, 12 से 15 मतलब अगर इसका एप्रोक्स लगा तो 14 तक, कि 14 बार सांस लेना, एक बार अंदर लेंगे और दूसरी बार क्या कर सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फेफड़े। देखिए, फेफड़े मुख्य श्वसन अंग है, सबको पता है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है, तो क्या नाक बताओगे? नहीं मैडम, फेरिंग्स भी बता सकते हैं आप, क्योंकि वह भी तो तंत्र का अंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। क्या बताया जाता है?
फेफड़े, मतलब जो मुख्य जो अंग है। जैसे अगर मैं पूछूं कि कॉकरोच का श्वसन अंग कौन सा है, एक तो कहा कीट का बता दो, तो कॉकरोच भी उसी में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, मछली वाला तो सबको आता होगा कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है, गिल्स गलफड़े जिसे कहते हैं। अच्छा मेंढक का बता दे मुझे, त्वचा, फेफड़े तो नहीं है उसमें, नहीं होता, तो मेंढक त्वचा से ही करता है। पानी के अंदर त्वचा से ही करता हो। अच्छा मेंढक की दो अवस्था होती है, ये भी देखी होगी, टेडपोल अवस्था भी होती है, मतलब वो मछली जैसा दिखता है पहले। तो मेंढक में दोनों प्रकार से आपका श्वसन होता है, वो गिल्स के द्वारा भी श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है। अगर एक और चीज पूछ लो, एक और पूछा जाता है, अर्थवर्म का पूछ लेते हैं, केचुआ जो किसान का दोस्त हुआ करता है, मतलब पूछा जाता है कि किसान का मित्र, तो उसको हम अर्थवर्म कहते हैं, केचुआ कहते हैं, तो वह किससे सांस लेता है, उसके भी कोई नाक वाक है क्या, फेफड़े हैं क्या, त्वचा है। तो ये कुछ ऑर्गन है, या यूं कहें कि ऑर्गेनिज्म है, उनके नाम पूछ लेते हैं। तो वैसे ही ह्यूमन का जब पूछा जाता है या मनुष्य का जब पूछा जाता है, तो आपके जो श्वसन अंग है वह कौन सा है, फेफड़े। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ा होता है, और एक जोड़ी का मतलब दो फेफड़े, क्लियर है। एक दायां होगा, दूसरा कौन सा होगा, बायां होगा, ये भी क्लियर है। इसमें एक फेफड़ा बड़ा होता है और एक फेफड़ा छोटा होता है। मुझे बताएं कि बड़ा कौन सा और छोटा, दायां बड़ा और बायां छोटा, ऐसा क्यों? क्योंकि हृदय के लिए जगह रहती है, तो जगह चाहिए। तो जो आपका दायां और बायां हृदय, सॉरी फेफड़ा है ये वाला, और इधर से चले तो ये वाला जो भाग होता है, तो एक वाला थोड़ा सा छोटा और एक वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब दायां बड़ा होता है और बायां कौन सा होता है, छोटा होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हृदय होता है, और दायां बड़ा होता है, तो इसमें कितने खांचे होते हैं, तीन खांचे पूछ लिए जाते हैं कि आपके हृदय सॉरी फेफड़े के कौन से वाले भाग में तीन खांचे होते हैं। तो जो बड़ा है दायां, उसमें तीन, और ये कितने भागों में विभक्त होता है, दो भागों में। देख लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। आपके जो वक्ष गुहा है, हृदय इधर उधर स्थित होता है, तो सबसे पहला जो फेफड़े हैं वो कहाँ मिलेंगे, वक्ष गुहा, साथ ही साथ हृदय भी कहाँ मिलेगा, वक्ष गुहा। यह कोमल लचीले तथा गहरे कत्थई स्लेटी रंग के होते हैं। फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे फुफ्फुसा आवरणी या प्लूरल कला, याद रखिएगा ये नाम नहीं और ये नाम पूछा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है। जैसे हृदय से रिलेटेड भी एक मेम्ब्रेन होती है, कार्डियल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वैसे ही प्लूरल कला होती है, दोनों और फेफड़ों के गुहा में पाई जाती है, जिसे फुफ्फुस गुहा या प्लूरल केविटी कहते हैं। मध्य लजदार तलल भरा होता है, और यह फेफड़ों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, और खांचों द्वारा तीन पिंडों में बटा होता है, और जो बायां होता है वह दो पिंडों में ही विभक्त होता है। फेफड़ों की संरचना की ओर चले हम, तो कुछ तो आपको पता है, बता दिया, एलवोई तक तो हम पहुंच गए थे। तो आगे देख लेते हैं, फेफड़ों की बाहरी सतह चिकनी सपाट होती है, जबकि आंतरिक सतह कैसी दिखाई देती है, मधुमक्खी। ये आपके लिए कि स्पंजी क्यों होती है, क्योंकि बार बार एयर अंदर जाती है फिर बाहर जाती है, तो वहां पर क्या, स्पंज क्रिएट होता है। और लास्ट में किसमें बटी होती है, तो अंततः वह किसमें बटी होती है, वायु, पुपीका, वायु कोष्ठ और एल्वोलाई तीन ही एक ही, वायु कोष्ठ आए तो भी आंसर सही हो जाएगा, वायु पुपीका आए तो भी आंसर सही हो जाएगा, और एल्वोलाई आए तो भी आंसर सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में प्रत्येक फेफड़े में वायु कोष्ठ की संख्या कितनी, और अगर दोनों पूछ ले तो कितने करोड़, 15 का सीधा पूछे तो 2 करोड़ हो जाता है क्या, 30 करोड़ होगा ना, थोड़ा तो देखो। ये यहाँ बच्चों में पूछा है, ठीक है, कि एक फेफड़े में कितनी वायु कोष्ठों की संख्या, 15, 2 में पूछे तो 30, और नवजात शिशु मतलब न्यू बोर्न जो बेबी होता है उसमें कितनी होती है, 2 करोड़। प्रत्येक वायु कोष्ठ का संबंध किससे होता है, एक श्वसनी से होता है। प्रत्येक श्वसनी जो श्वास नली ट्रेकिया के दो भागों से बटने से बनती है, फेफड़ों में प्रवेश करके शाखाओं में, ध्यान रखिएगा कि पहले ट्रेकिया आता है, उसके बाद आपकी कौन सी आती है, ब्रोंकाई या श्वसनी आती है, क्लियर है।
अंतिम रूप से बनी अत्यंत महीन उपशाखा को कूपिका नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक नलिका के सिरे पर अंगूर के गुच्छों की संरचना, ये तो बता ही दिया गुब्बारे नुमा संरचना। अच्छा मुझे बताए कि फेफड़े भी छोटे ही होंगे, तो वहां गुब्बार जो वायु कूपिका है उसे गुब्बारे नुमा संरचना क्यों दी? जैसे ये तो आपका ट्रेकिया है, ये दो भागों में बट रहा है, फिर यहाँ पर, और इनको फिर बांटो आप, और फिर यहाँ पर ऐसा कुछ भाग, यही है कि वायु का जो एक्सचेंज है या गैसों का जो स्थानांतरण है, लाना ले जाना, या यूं कहे कि O2 को अंदर भेजना और CO2 को वापस यहाँ से ले जाकर वापस बाहर करना, ये पूरा मैकेनिज्म आपका यही अंगूर के गुच्छे वाला पार्ट ही करता है। तो इसको ऐसा आकार क्यों दिया? जिसे एक छोटा, अगर हम पढ़े थोड़ा सा पाचन तंत्र में, तो आपने छोटी आंत का नाम सुना हो, छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसे विलाई कहते हैं। तो सपाट भी तो हो सकती थी नली, जैसे ये छोटी आंत, लेकिन उसमें ऐसा 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 आगे बढ़ाती है या सरफेस एरिया देती है, खाने को आगे बढ़ाती है, तो ऐसे पाइप में आगे नहीं बढ़ सकता था क्या? वो ऐसे जाएगा यूं, जैसे इसमें ये होता है तो खाना ऐसे जाएगा, या भोजन देखे तो वो ऐसे ऐसे। हाँ देखिए, बिल्कुल सही जा रहे हो कि अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यही कि अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जगह को बढ़ाने के लिए हम ऐसा वाला मार्ग यूज करते हैं, या ऐसा होता है मार्ग, हम यूज नहीं करते हैं, बना बनाया काम है। वैसे ही अगर कोई चीज ऐसी बनी है और अगर कोई चीज ऐसी बनी, तो इसका सतह बड़ा है या इसका सतह बड़ा, इस वाले, और इसका सतह बड़ा है तो यहाँ से गैसों का जो एक्सचेंज है या आदान प्रदान है, वो इससे ज्यादा होगा या इस वाली जगह से ज्यादा होगा? इस वाले से ज्यादा होगा, और इसीलिए जो वायु कूपिका है उसका आकार अंगूर के गुच्छे के समान ले ले या बैलून के आकार का ले ले, दोनों ही पूछ लेते कि गुब्बारे नुमा संरचना क्यों, तो सतह प्रोवाइड करवाने के लिए, सरफेस एरिया अधिक करने के लिए जो वायु कूपिका है उसका आकार कैसा होता है? अंगूर के गुच्छों की संरचना जैसा होता है। ये आपके क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष जैसे पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा साइंस से कथन और निष्कर्ष का, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। फिर चलते हैं, वायु कोष्ठों की बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाएं होती है का जाल होता है, यह जाल फुफ्फुस धमनी के अधिकतम रूप से शाखित होने से बनता है। अच्छा जाल, अब देखिए जो आपका फेफड़ा है इसके बाहर धमनी का जाल होता है, और यही जाल क्या करता है, जो ऑक्सीजन वाला, या यूं कहें कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको ले जाने का काम, और अगर वहीं अगर शिरा का जाल अगर रहे, दो जाल होता है, और देखा भी होगा धमनी और शिरा का नाम सुना होगा आप, सुना है धमनी क्या करती है, ये शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने का कार्य करती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करती है। तो जो धमनी होती है, जैसे ही फेफड़े से शुद्ध रक्त, या यूं कहे कि ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, तो धमनी उसको हृदय तक ले जाने का कार्य करती है, और वहीं अगर हम कहें कि जो शिरा है वह क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है। कोशिका में शरीर से ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट चलिए, वायु कोष्ठों में CO2 का बाहर विस्तृत हो जाती है और O2 रुधिर कोशिका में विस्तृत हो जाती है, और वायु कोष्ठों की O2 युक्त रुधिर कोशिका आपस में मिलकर एक मोटी रुधिर वाहिनी बनाती है, और कई रुधिर वाहिनियां मोटी फुफ्फुस शिरा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि पूछा भी जाता है कि कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त और कौन सी शिरा में अशुद्ध रक्त, ये तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं हृदय वाले से चैप्टर से। तो देखिए यहाँ रुधिर वाहिनी मोटी फुफ्फुस शिरा में खुलती है, यह शिरा हृदय को शुद्ध रक्त प्रदान करती है, कि उस शिरा का नाम बताए जिसमें, अभी मैंने बोला कि शिरा मतलब हम यही समझते हैं जिसे इंग्लिश में वेन कहते हैं, कि जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है,
और अशुद्ध का मतलब कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड रहे। और वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो वह कौन सी शिरा है आपकी? फुफ्फुस शिरा है, जिसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखिए, नासिका या नासा मार्ग देख चुके हैं हम, थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें नासा गुहा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे श्लेष्मिक झिल्ली कहते हैं, और जब हमें सर्दी हो जाती है तो एक वाटरिंग मतलब फ्लूड रिलीज होता है। तो वह कहाँ से आता है? तो वह कहाँ से आता है? इसी झिल्ली से निकाला जाता है। नासा मार्ग में चिकना पतला तरल श्लेष्म स्त्रावित करती है तथा वायु के साथ आने वाले हानिकारक पदार्थ को अंदर जाने से रोकने का कार्य करती है। उसी के साथ हमारे जो नासा मार्ग है वहाँ छोटे छोटे रोम जैसे बाल भी पाए जाते हैं, और वह बाल भी क्या करते हैं, बाहर अंदर से, ये यूँ कहें कि जो वायु जब हम अंदर लेते हैं तो धूल के कण या स्मोक जो आपके अंदर जाता है उसको वहीं रोकने का कार्य कर देता है। नेक्स्ट है आपका ग्रसनी। ये फिर से कॉमन के एक कॉमन भाग बताओ जो आपका श्वसन और पाचन दोनों में ही, तो वह कौन है? ग्रसनी। इससे थोड़ा ज्यादा काम है हमें। आपने एपिग्लोटिस का नाम सुना होगा और ग्लोटिस का नाम सुना हो कि खाना खाते वक्त तो यह बोलना नहीं चाहिए, या पहले बोल लो फिर खाना खा लो, ऐसा ही कुछ है। तो वहां पर क्या, जो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। नासा मार्ग के बाद वायु मार्ग में ग्रसनी होती है, और ग्रसनी लगभग कितने मीटर, सेंटीमीटर लंबी पक्के आकार की गुहा होती है। इसका अगला चौड़ा भाग मतलब ऊपर वाला भाग नासा ग्रसनी तथा निचला मुख ग्रसनी या जिसे ओरोफेरिंक्स में बटा होता है। देखिए कुछ मुंह जैसा लग रहा है, ये नाक है और ये आपका माउथ है, और जैसे ही खाना और दोनों ही अंदर जाते थे, ये जो खुला भाग है यहाँ वाला, यही भाग आपका कौन सा वाला भाग कहलाता है? फेरिंक्स या ग्रसनी कहलाता है। जब हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो सांस इस वाले मार्ग से अंदर जाती है, ये वाला मार्ग, और खाना इस वाले मार्ग से अंदर जाता है। पर देखिए यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है, और जो खाली जगह है अगर आप बोलते बोलते खाना खाओगे तो बोल रहे हो मतलब एयर लग रही है, एयर बाहर भी जाती है, बोलते हैं तो हवा, और जैसे हवा अंदर जाती है तो जैसे ही खाना खाओगे तो ये वाला जो मार्ग है आपका, इस मार्ग से खाना यहाँ ना जाकर कहाँ वाले भाग में चला जाता है? लेरिंग्स वाले भाग में चला जाता है। जब तक खाना हम खास खास कर उस खाने को इस वाले भाग से बाहर ना निकाल दें तब तक खांसी आती रहे, यही होता है। तो यहाँ पर जो फेरिंग्स होता है उसमें एक चीज होती है, मांसल भाग होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो यही एपिग्लोटिस यहाँ पर ढक्कन की तरह ढक दिया जाए, और आसानी से आप जैसे ही खाना उतारते हैं, अब ऐसा नहीं कि चबाते समय भी क्या ढक्कन ढका ही रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एयर की तो कंटिन्यू जरूरत होती है। तो जैसे ही हम खाना जब निगलते हैं तब ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जो आपके लेरिंग्स वाले भाग को ढक देता है ताकि खाना अंदर उतर जाए, फिर से वो खुल जाता है, फिर आप चबाते हो वापस खाना तो वापस ये एपिग्लोटिस, और ये एपिग्लोटिस किसको ढकता है, तो ये ग्लोटिस को ढकता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि कौन ढकता है तो वहां पर एपिग्लोटिस भी आएगा और ग्लोटिस भी आएगा, तो ग्लोटिस वाले भाग पर ढक्कन ढका जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्लियर है इतना कि लेरिंग हमारे जीवन में या फेरिंग्स का क्या काम है? तो दोनों, ये कॉमन पैसेज की तरह काम करता है, और यह एपिग्लोटिस को ग्लोटिस के ऊपर ढककर खाने को आसानी से आपके इसोफेगस तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कंठ द्वार, लेरिंग्स, इसका भी बड़ा अच्छा महत्व है। अगर ये नहीं होता तो हमारे यहाँ जो वोकल कार्ड है, जो स्वर कंठ हम बोल रहे हैं और आवाज जा रही है, वो भी नहीं होता। तो देखिए मिगल द्वार के ठीक पहले एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, घंटी द्वार या कंठ कहते हैं। इसके ऊपर उपास्थि का ढक्कन बना होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, और यही भोजन निगलते समय घंटी द्वार के को बंद रखने का कार्य करता है। क्लियर है? और ये कौन करवाता है,
फेरिंग्स करवाता है, फेरिंग्स ढक्कन ढकवा देता है ताकि खाना अच्छे से इसोफेगस से आपकी आहार नाल में चला जाए। नेक्स्ट इज श्वास नली। जिसे ट्रेकिया, एक और चीज जो ट्रेकिया है वो कॉमन वर्ड है। ट्रेकिया को श्वास नली, हिंदी में श्वास नली भी कह सकते हैं और इंग्लिश आपके हिंदी में ट्रेकिया भी बोला जा सकता है। तो ट्रेकिया या वाइंड पाइप या खोखली नली के रूप में जिस पर सी आकार का उपास्थि के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं और इसे बोलते हैं उपास्थि छल्लिका। ये जो आपका मार्ग है, वायु मार्ग है, इसी में सी आकार का मतलब आधा गोला, पूरा गोला नहीं होता है, कैसा होता है आधा, सी आकार के उपास्थि के छल्ले बने होते हैं और अधूरे छल्ले मतलब अर्ध वलयाकार होता है और वही छल्ले किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं और उन्हें उपास्थि छल्ले के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलते हैं, ट्रेकिया या वाइंड पाइप में मिलते हैं। इनका क्या काम है, तो ये जैसे गुब्बारे में जब हवा भरते हैं और जब वो सिकुड़ या हवा निकालते हैं तो पिचक जाता है, बस उस पिचकने से बचाने के लिए, वाइंड पाइप या ट्रेकिया को पिचकने से बचाने के लिए एक और आपको मॉडिफाई किया गया है। इसको क्या डाला गया है आपके अंदर, उपास्थि, मतलब हमने नहीं डाला है, पहले से बनी बनाया है, पर सोचो कि कितनी बढ़िया संरचना रची है आप लोगों की। उपास्थि के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, वे वायु न होने पर इसको पिचकने से बचाते हैं। पिचक जाएंगे तो देखो, हाँ ये भी सही बात है, पिचक जाएंगे तो क्या होगा, पिचक गई तो एयर अंदर नहीं गई और एयर अंदर नहीं गई तो फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिली, फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो रक्त में ऑक्सीजन सप्लाई बंद, रक्त में ऑक्सीजन सप्लाई बंद तो प्रत्येक कोशिका को सप्लाई बंद और हर कोशिका को सप्लाई बंद मतलब ऊर्जा बंद। पहले आपकी क्या बंद होगी, ऊर्जा, मतलब ऊर्जा नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आप सांस लेना बंद कर दोगे, पिचक गया। फिर सप्लाई बंद मतलब ब्रेन को आपकी शरीर की, अगर यूँ कहें कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो अगर हम 100% ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसका 25% जो भाग है वो आपका दिमाग यूज करता है। ऑक्सीजन का कितना वाला भाग, 25%, मतलब जो भी भले आप कितने भी लीटर ले रहे हो पर उसका 25% कौन यूज कर रहा है, दिमाग यूज कर रहा है। अब इतनी सप्लाई बंद हो गई तो सबसे पहले क्या बंद, दिमाग बंद, फिर धीरे धीरे हम बंद, ठीक है। तो इसीलिए क्या दिया गया है, रोकने से पिचकने से बचाने के लिए उपास्थि। यह लगभग कितने सेंटीमीटर लंबी मिलेगी आपको, तो यह 10 से 12 सेंटीमीटर और व्यास इसका कितना, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर। आगे चलकर यह दो भागों में बढ़ जाती है और फेफड़ों में चली जाती है और इसे श्वसनी कहते हैं। याद रखिएगा कि ट्रेकिया का वह भाग जो फेफड़ों में जब बढ़ता है तो उस भाग को क्या नाम दिया जाता है, तो क्या नाम दिया जाता है, श्वसनी या ब्रोंकियोलस। फेफड़ों में पहुंचकर यह पुनः शाखा में बढ़ जाती है और उसी को एक और नाम दिया जाता है, श्वसनिका। तो सबसे पहले अगर काम अगर शुरू होगा तो नासा मार्ग के बाद आपका वायु कहाँ जाएगी, श्वास नली, जो एयर वाइंड पाइप बोल रहे हैं, फिर वाइंड पाइप दो भागों में बटेगी तो क्या कहलाएगा, श्वसनी, और श्वसनी फिर और भागों में बटेगी तो क्या कहलाएगा, श्वसनिका कहलाएगा। क्लियर है। और इसी के बीच में एक और चीज आती है जो सी आकार के छल्ले आपको देखने को मिलेंगे और ये किसके बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए, पर इसको थोड़ा सा अभी आगे कर देती हूँ मैं। ठीक है, उन सभी भौतिक, ये परिभाषा पहले भी पढ़ ली है, ठीक है। तो अब उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे समझाती हूँ आपको कि आपने अभी क्या क्या समझ लिया।
देख सबसे पहले एयर अंदर लो गया और एयर में क्या क्या चीजें लेंगे आप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही मुख्य चीजें। ये कितना प्रतिशत जो वायुमंडल में है, ये कितना जो वायुमंडल में है, और ये कितना जो वायुमंडल में उपस्थित है, और इनका रेशियो अनुपात कुछ यही है। जब लेते हैं तो ये सारी चीजें प्रतिशत में इतनी ही होती है, जब हम छोड़ते हैं या जब आउट करते हैं, ये इन करते समय, जब आउट करते हैं तो ये कितना बच जाता है, 16 या 17%, ये जितना होता है उतना ही, और ये कितना 4% छोड़ा जाता है। अब इधर देखिए, ये एयर अंदर गई, सबसे पहले यहाँ पर वाइंड पाइप ट्रेकिया में, ट्रेकिया दो भागों में बटा जिसको श्वसनी कहते हैं, श्वसनी फिर से भागों में बटी जिसे श्वसनी काय कहते हैं, फिर गुब्बारे नुमा संरचना मिली हमें जिसे हम क्या कहते हैं, कोपिका कहते हैं। और यहाँ तक हमारे पास सारी चीजें आई, और हम सबसे पहले किसका सप्लाई देखेंगे कि O2 का। O2 है कि O2 का आखिर यहाँ जाके होता क्या, तो ये जो कोपिका है इसी के चारों ओर एक तरल भरा होता है, और यहाँ पर सांद्रता के आधार पर, किसके आधार पर, सांद्रता, मतलब यूं कहें कि इंग्लिश में जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं, कि जिसका कंसंट्रेशन अधिक होगा वह बाहर, या यूं कहें कि जैसे पहले समझा देते, जैसे कोने में अगरबत्ती लगी तो वहां धुआं अधिक हुआ तो उसी के बाद कहां धुआं जाएगा आगे, तो वहां सांद्रता धुएं की क्या है, अधिक है, और धीरे धीरे वो पूरे रूम में फैल जाएगा। वैसी ही बात यहाँ होती है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा आप इस वाले भाग में अधिक होती है तो वो इस वाले भाग में चली जाती है, और CO2 की मात्रा मानो कि यहाँ वाले भाग में, इस वाले भाग में आपकी CO2 अधिक है, तो यहाँ से CO2 कहाँ चली जाती है, इस गुब्बारे नुमा भाग में, और जैसे ही CO2 इधर गई, यह O2 जो है आपकी, यह रक्त में चली जाती है, और रक्त में जाकर पूरी तरीके से सभी कोशिकाओं को सप्लाई करवा दी जाती है। वहीं CO2 का क्या होता है, तो यही CO2 आगे जाकर जब हम एयर आउट करते हैं तो यह एयर आउट के साथ क्या बच जाती है, ऑक्सीजन। अब ये कितनी मात्रा में जाती है, तो ये कितना 4%, ये तो इतना ही है, और ये कम जाता है। आखिर इस ऑक्सीजन का यहाँ से जाने के बाद होता क्या है, तो मेन जो श्वसन की मैकेनिज्म है वो तो अब शुरू होती है। हमने अभी तक बेस पढ़ा कि वायु अंदर गई और कहाँ तक चली गई है, फेफड़ों तक, और फेफड़ों से कहाँ हमने ऑक्सीजन को कहाँ सप्लाई कर दिया है, रक्त तक। अब हमें अभी तक तो ऊर्जा मिली ही नहीं, मतलब ऊर्जा भी तो निकालनी है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ अभी। देखिए आपके रक्त की अगर बात करें तो रक्त में एक चीज होती है जिसे हम HB कहते हैं, नाम सुना है, हीमोग्लोबिन। यही आपका जो हीमोग्लोबिन है, यह रक्त को क्या प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है, मतलब ये वर्णक की तरह भी काम करता है। उसी के साथ हम देखें कि जब जैसे ही फेफड़े से ऑक्सीजन रक्त में सप्लाई होती है तो यह हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, क्या करता है, बाइंड मतलब जोड़ लेता है, और इसी के साथ यह अस्थाई यौगिक बनाता है, और यह अस्थाई यौगिक हर कोशिका तक सप्लाई किया जाता है। गैसों का परिवहन, अब हमें सबसे पहला एक कोशिका
कोशिका से लेते हैं हम, समझते हैं कि ये समझो एक कोशिका है और ये आपकी कोशिका का केंद्रक। अब इसमें कोशिका अंगक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो राइबोसोम भी होगा इसमें, एक नाम सुना होगा आपने माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं? जब इस कोशिका को, सुन लीजिए, जब इस कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जो सप्लाई है वह सप्लाई कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। मतलब इसके पास ऊर्जा होती है और ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। अब ये हम देखेंगे ये जो ऊर्जा होती है ऊर्जा आती कहाँ से? एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसके पास तो है ऊर्जा, ये सप्लाई भी कर रहा है, लेकिन इसके पास ऊर्जा आती कहाँ से? तो जब हम खाद्य पदार्थ पढ़ते हैं तो हमें तीन चीज मुख्यतः हमारी डाइट में हम तीन चीज खाते हैं। एक होता है ग्लूकोज जिसे हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, एक होता है आपका प्रोटीन और एक होता है आपका वसा। यही मुख्य रूप से जो भी खाते हैं तो हमें जो भी खाने में यही चीज मिलती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, इससे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। प्रोटीन से सबसे छोटा वाला भाग देखें तो क्या मिलेगा? अमीनो अम्ल। और वसा से वसी अम्ल प्राप्त हो, पहला जो वसा है उसका वसी अम्ल, और ये सीधे जाके हमारे वसे उतक में जमा हो जाता है। एक्स्ट्रा होता है तो क्या होता है? त्वचा में जमा हो जाता है, और जिस उतक में जमा होता है उसे हम कौन सा उतक कहते हैं? एडिपोस उतक के नाम से, या वसी उतक भी कह सकते हो आप, लेकिन वसी उतक ना पूछकर वो क्या पूछता है? एडिपोस ही पूछा जाता है। इसका काम तो हो गया कि आहार में जो हमने वसा खाया था वो तो क्या हो गया? वसी अम्ल के साथ कहाँ जाके जमा हो गया है? वसी उतक में। दूसरा प्रोटीन क्या करता है? तो ये हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है, जैसे कोशिका क्षतिग्रस्त हो रही है, कुछ कोशिका बन रही है, जैसे आरबीसी का जीवन चक्र 120 दिन, उसके बाद उसे नया बनना है, तो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती रहती बिगड़ती रहती, तो बनती रहती बिगड़ती रहती, उस समय जो हेल्प करता है बनाने में वह कौन करता है? प्रोटीन। इसका काम भी हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो यह हमें एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये ऊर्जा कैसे प्रदान करता है? हम श्वसन के मैकेनिज्म में यही देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कैसे निकलती। एक पढ़ लिया हमने श्वसन, और श्वसन में कहाँ तक पढ़ लिया कि ऑक्सीजन रक्त तक पहुँच गया है, और फिर वही यही रक्त जो है हीमोग्लोबिन, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है, और बाइंड कर शरीर की हर कोशिका तक सप्लाई करने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का ही होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन तो कर ही रहा है, रक्त में दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा भी होता है, नाम सुना है, एक कणिका होता है प्लाज्मा होता है, और कणिका कितनी प्रकार की है आपके शरीर में? तीन नाम लेते हैं हम उसके साथ, कौन कौन से लेते हैं? एक है आपकी आरबीसी, फिर है आपकी डब्ल्यूबीसी, और फिर है आपकी प्लेटलेट्स। ये जो आरबीसी है यही हमारे शरीर में कौन से रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की। और इसी में क्या मिलेगा? इसी में आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा, और हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन जो है आपका 97 से लगाकर 98.5, अगर आपने 100% ऑक्सीजन लिया है, जो भी प्रतिशत ले रहे हो सांस में, उसका 97 से लगाकर 98.5 तक का सप्लाई ऑक्सीजन का कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और बाकी जो 1.5% के समथिंग बचा है वह सप्लाई कौन करता है? प्लाज्मा करता है। और हर कोशिका तक ये रक्त क्या करता है? ले जाता है। उसी के साथ एक क्वेश्चन और बताया था मैंने कि जो मस्तिष्क है, जो भी आप ले रहे हो, उसका कितना प्रतिशत ऑक्सीजन कौन यूज करता है? तो 25% तो आपका ब्रेन, मतलब वो इतना काम करता है, और स्वाभाविक है
हमारे तो बाकी हाथ पैर तो काम कर रहे हैं लेकिन ये इंटेलिजेंस है तो ये सबसे अधिक काम करता है इसीलिए। और सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वह हीमोग्लोबिन के साथ किस किस के साथ हो जाती है, प्लाज्मा। तो क्या क्वेश्चन एक और अराइज हो रहा है कि उधर से आते समय रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी जाती है, आपके शरीर में दो काम कर रही है, शिरा और धमनी दिख भी रही होगी, तो नीले रंग की जो शिराएं वही आपकी क्या करती है ऑक्सीजन को लाने का कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक सप्लाई करने का कार्य करती है। तो क्या हीमोग्लोबिन ही उधर से आते वक्त इसको ढोकर लाता है क्या? थोड़ा ही बताऊंगी, देखिए जो CO2 होता है वह आपके शरीर में बहुत सारे यूं कहें कि जो रक्त जब सप्लाई करता है तो अकेला हीमोग्लोबिन ही उसको लेके नहीं आता। हीमोग्लोबिन 20% के समथिंग ही कोशिका से क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। उसी के साथ चलते हैं, दूसरा है आपका प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वह समथिंग 7% CO2 क्या करता है, कोशिका से फेफड़ों तक सप्लाई करने का कार्य करता है। और लास्ट में एक और चीज है कार्बोनेट के रूप में, जो CO2 है आपका कार्बोनेट के रूप में कितना प्रतिशत तक, 70% तक सप्लाई करने का काम करता है। इसको ऑफ कर दूंगी।